जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बिग अपडेट सामने आ रही है सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या को लेकर। आखिरकार 4 महीने के पश्चात सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या को लेकर जो है सबूत मिल ही गया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दें, मंगेतर के द्वारा सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाले जी की कॉल रिकॉर्डिंग जो है, सिद्धू मूसेवाले जी ने सारी बातें अपने मंगेतर संग की थी हत्या से पहले। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, आपको बता दें 4.5 महीने के बाद जो है सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या का बड़ा राज खुला है। क्या कुछ है खबर, पूरी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको दोस्तों ये भी बताएंगे कि सिद्धू मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह ने हॉस्पिटल से आते ही क्या कुछ कहा है अपने बेटे के जस्टिस को लेकर। एक एक अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जरूर कीजिए। नीचे रेड बटन पे क्लिक करके बॉलीवुड की दीवानी चैनल को, साथ ही हर लेटेस्ट खबर के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि पल पल की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जी आपको बता दें, पिता बलकौर सिंह ने हॉस्पिटल से आते ही आपको बता दें सिद्धू मूसेवाले जी की जस्टिस को लेकर जो है एक बार फिर से उन्होंने ऐसा कुछ बयान दे डाला है जिससे पूरी पंजाबी इंडस्ट्री, खासतौर पे म्यूजिक इंडस्ट्री जो कि 700 करोड़ की है, वो हिल चुकी है इस वक्त। वो वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें पिता बलकौर सिंह जी ने ये सारी बातें कही है हत्या को लेकर, लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, गोल्डी को लेकर और अपने बेटे के जस्टिस को लेकर। किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी दोस्तों, खासतौर पे हत्यारों ने, कि जो पिता इतना बीमार है, जिसे डॉक्टर ने परहेज करने को कहा है, बोलने से मना किया है, रेस्ट करने को कहा है, वो पिता अपने बेटे के जस्टिस के लिए जो है बीमार होते हुए भी खड़े होकर माइक लेकर स्पीच देगा और इस तरह की बातें कहेगा। जी हाँ, इस बार सिद्धू के पिताजी ने, बलकौर सिंह ने आपको बता दे, ऐसा बयान दिया है जिससे कि लॉरेंस और गोल्डी का बचना बिल्कुल भी मुश्किल है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह जी ने अपने बेटे को जो है भगत सिंह जी से कंपैरिजन किया है। जी हाँ, मेरा बेटा भगत सिंह से कम नहीं था, फैंस भी कह रहे हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि वो अपने माता की इज्जत किया करते थे, सर्वोप्रिय थे, सबके फेवरेट थे, पता था उनको बड़े को, बूढ़ों को, बच्चों को किस तरह से रिस्पेक्ट देना है, किसको कैसे प्यार करना है, सब उन्हें पता था, हर चीज का ज्ञान था। और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। आज सिद्धू मूसेवाले जी के पिता बलकौर सिंह जी ने आपको बता दें सिद्धू अपने बेटे को लेकर जो है संबोधित किया है, भगत सिंह जी को लेकर बोला है और कहा है कि अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो भगत सिंह जैसे बनो, भगत सिंह जी के जितने भी गुण थे वो अपने अंदर ढालो, PhD कर लो बेशक से, भगत सिंह के जितने भी गुण थे अपने अंदर ले आओ। आज मेरा बेटा शहीद हो गया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, ऐसे ही बोला पिता बलकौर सिंह जी ने अपने बेटे को लेकर, शहीद का नाम दिया। और आज तो आपको बता दे, जो सिद्धू मूसेवाले जी का स्टैचू है वो शहीदों की जिस पार्क में स्टैचू लगाई जाती है वहां पर लगाई गई है, जो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां भगत सिंह, सुखदेव, इन सभी की जो है स्टैचू लगाई गई है जिस पार्क के अंदर, उसी पार्क में सिद्धू मूसेवाले जी की भी स्टैचू लगा गई है। और इसी बात से जो है गोल्डी बरार भी भड़क गया है कि उसे शहीद का दर्जा आखिरकार क्यों दिया जा रहा है, सिद्धू मूसेवाला तो हत्यारा था, उसे शहीद का दर्जा क्यों दिया जा रहा है। इस तरह की तमाम बातें जो है सोशल मीडिया पे खूब जो है वायरल हो रही है। गोल्डी बरार ने इस तरह की बातें कही है जिससे एक पिता का खून गर्म हो गया है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें हॉस्पिटल से आते ही पिता ने जो बातें कही है उसे फैंस खूब शेयर कर रहे हैं, वीडियो खूब शेयर हो रहा है पिता बलकौर सिंह जी की इस वक्त। तो वहीं पिता ने यह भी कहा कि कोर्ट में जो कुछ लेडीज वकील हैं वो काफी ज्यादा अपने आप में इस तरह की उलझुलूल बातें कर रही हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए मेरे बेटे सिद्धू को लेकर। साफ साफ वार्निंग दी है पिता बलकौर ने अपने बेटे सिद्धू को लेकर। जो वकील जो है उल्टी सीधी बातें कर रही हैं, जो लॉरेंस के फेवर में बातें कर रही हैं, उन्हें लेकर साफ तौर पर हिदायत दी है बलकौर सिंह जी ने। सुनिए जरा इस वीडियो को, उसके बाद हम आगे आपको ये बताएंगे कि मंगेतर ने क्या कुछ खुलासा किया है सिद्धू के हत्या के 4 महीने पश्चात। ऐसे कौन से सबूत है जो मंगेतर ने बता डाली है मीडिया में आके, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक पिता की बातें जो उन्होंने हॉस्पिटल से आते ही अपने बेटे के लिए कही है उसे सुनिए। तुहाडे वड्डे भरा ने भी तुहानू इक्को गल दसी है, अपने मापिया दे नाल किवें जुड़ना है, अपने मापिया दी किवें सेवा करनी है, आपके पिता पुरखी कित्ते नाल किवें जुड़ के रहना, ये तुहाडे भरा तों भी तुहानू गल्लां तुहाडे ध्यान च आईआं होणगीआं। तां भगत सिंह दा जीवन तां बहुत वड्डा है, वो तो तुसीं भावें PhD कर लो, जो मर्जी सुख सारी जिंदगी उहदे चों कढ़ी जा सकदी। सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन है, जन्मदिन मनाउण लग्या कई साडे गल विचार आउंदे आ दिमाग दे विच कि आखर नूं असीं सिखणा की,
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਵੇਖਣਾ, ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣਾ। सुना आपने एक पिता की गुहार अपने बेटे के जस्टिस के लिए। देखिए कितना जुनून है एक पिता के अंदर अपने बेटे के जस्टिस को लेकर, कि वो रेस्ट को छोड़कर, अपनी दवाइयों को छोड़कर अपने बेटे के जस्टिस के लिए फिर से एक बार खड़े उतरे हैं मैदान में। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तस्वीर आप देखिए अपने आप, ये तस्वीर जो है सारी बातें बयां कर रही है कि बेटे कि जस्टिस को लेकर ये तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि एक सिद्धू मूसेवाला कैसे इंसान थे। देखिए आधी तस्वीर है इसमें भगत सिंह जी की, आधी तस्वीर है सिद्धू मूसेवाले जी के फैंस जो हैं सिद्धू मूसेवाले जी को भगत सिंह के द्वारा जो है कंपैरिजन कर रहे हैं कि भगत सिंह से कम नहीं थे सिद्धू मूसेवाले जी। जो गुण थे भगत सिंह जी में, जो निडरता थी उनके अंदर, वही निडरता सिद्धू मूसेवाले जी के अंदर थी। हर बात बेबाकी से करते थे, हर काम को बेबाकी से करते थे, निडरता के साथ रहते थे, और अंतिम वक्त में भी वो लड़े, अपना सीना चौड़ा करके लड़े। सारी की सारी गोलियां वो अपने सीने पर खाई उन्होंने और अपने दोस्तों को बचाया। आपको बता दे बिल्कुल भी नहीं डरे, वहां से थार गाड़ी को नहीं हिलाया उन्होंने, और जो जितनी भी गोलियां थी उससे उन्होंने लड़ाई करने की कोशिश की, पूरी जो है उन्होंने फाइट की, लेकिन वो नहीं बच सके वो अलग बात है, लेकिन वो हार नहीं माने थे दोस्तों, इतने ज्यादा निडर थे वो। आपको बता दे ऐसे में सिद्धू मूसेवाले जी की मंगेतर जो है 4 महीने पश्चात जो है मीडिया के सामने ऐसी बात रख दी है जिससे सुनकर सभी शॉक हैं इस वक्त कि सिद्धू मूसेवाले जी ने हत्या से पहले ही जो है जानकारी दे डाली थी। हालांकि उन्होंने अपने गाने में तो एक एक बात बता ही दिया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से होने वाली है, वो जवानी में ही उनकी अर्थी उठने वाली है, ये सारी बातें जो है उन्होंने बता दी थी अपने गाने के माध्यम से। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनकी पर्सनल बातें थी, आपको बता दें वो अक्सर सिद्धू मूसेवाले जी जब सैड हुआ करते थे तो अपनी माता जी से तो किया ही करते थे, माता जी के गोद में लेट कर जो है सारी बातें बताया करते थे अपनी माँ से, एक भी बात नहीं छुपाते थे। लेकिन जब से उनकी सगाई हुई दोस्तों, उनकी लव मैरिज होने को जा रही थी, वो अपनी मंगेतर से एक बात भी नहीं छुपाते थे, वो अपनी मंगेतर से भी अपने मन की बात जो है किया करते थे। ऐसे में एक दिन आपको बता दें सिद्धू मूसेवाला जी जो थे काफी ज्यादा सैड थे और उन्हें उस दिन जो है धमकी बहुत ज्यादा मिली हुई थी। आपको बता दें मंगेतर से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा था, खुदा ना खास कल जो है मुझे कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगी, क्योंकि मुझे जो है लगातार धमकियां मिल रही है, मुझे नहीं पता मेरी सांसें कितनी ज्यादा हैं। तो ऐसे में मंगेतर ने साफ तौर पर निडरता से एक ही बात कही थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम निडर इंसान हो, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, ऐसा जो है मंगेतर ने कहा था उस वक्त। लेकिन सिद्धू मूसेवाले जी को इस प्रकार से मार दिया जाएगा, हत्या कर दी जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। आपको बता दें मंगेतर को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इस प्रकार की दर्दनाक मौत जो है सिद्धू मूसेवाले जी की होगी। अक्सर सिद्धू मूसेवाले जी जो थे मंगेतर से ये बातें कहा करते थे कि मुझे इस तरह की धमकियां आती है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो आपको बता दें मंगेतर हमेशा एक ही बात कहती थी कि कुछ नहीं होगा और तुम एक स्ट्रांग इंसान हो, तुम्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, तुम्हारा बाल बाका भी नहीं होगा, इस तरह की बातें जो है किया करते थे। इतना ही नहीं, माता चरण कौर जी से भी सिद्धू मूसेवाले जी ने इसी तरह की बात फिरौतियों की, धमकियों की जो है की थी। लेकिन माँ चरण कौर जी को भी अंदेशा नहीं था, एक दो बार जो है पुलिस में जो है केस भी दर्ज कराया गया था, FIR भी लिखवाई गई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं रहा दोस्तों। और लास्ट में यही हुआ कि सिद्धू मूसेवाले जी के दिन दिहाड़े 29 मई की शाम को जो है गोलियों से भून दिया गया। और आज एक पिता एक माता बीमार होते हुए भी आपको बता दे अपने बेटे के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ। आपको बता दे जब से मंगेतर ने इस तरह की बातें कही है सिद्धू मूसेवाले जी को लेकर कि मेरे सिद्धू को पहले ही पता था कि उसकी जान जाएगी, अक्सर वो इस तरह की बातें किया करते थे, तब से जो है पूरे सोशल मीडिया पर ये बात छाई हुई है। इस वक्त सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या के बाद भी मंगेतर जो है लगातार सिद्धू मूसेवाले जी के पेरेंट्स के टच में रहती हैं और एक बेटी की तरह ख्याल रख रही हैं, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला जी रखते थे अपने माता पिता का ध्यान, उसी प्रकार से मंगेतर भी पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि एक बेटी बनकर जो है उनका ख्याल रखे। सल्यूट करते हैं हम सिद्धू मूसेवाले जी की मंगेतर को, अमनदीप कौर को, कि वो एक बेटी बनकर सिद्धू की माता और पिता की इस प्रकार से ध्यान रख रही हैं, अपना फर्ज निभा रही हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दोस्तों। आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या सिद्धू मूसेवाला जी के अंदर आप
सबको भगत सिंह जी के गुण दिखते हैं, क्या भगत सिंह जैसे दिखते थे सिद्धू मूसेवाले जी, क्या भगत सिंह जैसे उनके काम थे जब वो जीवित थे, और उनके जाने के बाद भी क्या लगता है, क्या कंपैरिजन करना चाहेंगे आप भगत सिंह जी से सिद्धू मूसेवाले जी को, जरूर अपने विचार कमेंट सेक्शन के जरिए व्यक्त कीजिएगा। वेल, हम तो यही कहेंगे कि सिद्धू मूसेवाले जी जो थे अपनी जगह थे और भगत सिंह जी अपनी जगह थे।